क्या हाल है ड्रेविडेगेंस मोटरोला का एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन मोटरोला G13 बहुत ही जल्द आपको मार्केट में देखने के लिए मिलने वाला है। तो आज बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन में आपको क्या स्पेसिफिकेशन और किस प्राइस सेगमेंट में ये देखने के लिए मिलेगा। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं मनीष अपने चैनल ड्रेविडेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं मोटो G13 के बारे में। तो मोटोरोला के स्मार्टफोन्स आपको हर प्राइस सेगमेंट में देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो नया फोन आ रहा है मोटोरोला G13, इसमें दोस्तों आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। में दोस्तों अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें मीडियाटेक हेलियो G85 का प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल रहा है। माली G52 का GPU यहां पे देखने के लिए मिलेगा। एंड्रॉइड 13 के साथ ये आता है और 4GB रैम और 128GB स्टोरेज इसमें आपको देखने के लिए मिल सकती है। वहीं अगर कैमरा मॉड्यूल पे आप नजर डालेंगे इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही कैमरा यहां पे काम का है, जो कि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का यहां पे दिया गया है क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ। उसके दो अदर कैमरा 2 मेगापिक्सल के यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट सेल्फी शूटर की बात की जाए तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा पंच होल कटआउट के साथ। वहीं 5000mAh की बड़ी बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर अदर फीचर्स की बात की जाए इसमें आपको डॉल्बी एटम्स टेक्नोलॉजी के साथ 3.5mm का हेडफोन जैक, USB टाइप सी पोर्ट, ब्लूटूथ 5.1, NFC ड्यूल बैंड वाईफाई इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था दोस्तों ये एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है, ये तकरीबन आपको 12,000 से 13,000 रुपए तक की रेंज में है, उसके अंडर देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों यहां पे आपको क्या लगता है दोस्तों इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या रहने वाला है, कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।